दगड़े आज का ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। आज जा रहा हूँ मैं मलाई कोफ्ता बनाने। हमारा पार्टी में हमारा मलाई कोफ्ता है, और कोफ्ता कैसे बनाते हैं होटल में ये सब बताऊँगा आपको। और ये मेरा जलप्रेजी का कटिंग रेडी हो चुका है, यहाँ पे जलप्रेजी भी है पार्टी में, और मैं आपको बताऊँगा मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता कैसे बनाते हैं। खाली कोफ्ता बनना, कोफ्ता बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ये है मलाई कोफ्ता की रेसिपी, शेफ नवीन स्पेशल बना रहे हैं, जिनमें मैंने मावा लिया है, मावा को अच्छे से मैश कर रहे हैं, और इसके बाद इसमें पनीर को ऐड करेंगे और इस पर पनीर डाल रहे हैं। वैसे पनीर को बिल्कुल ग्रेट करना होता है, बट अभी हमारा टाइम है नहीं, शाम का पार्टी है, रनिंग बना रहे हैं। पनीर अपने पास मलाई वाला आता है तो ग्रेट से करो चाहे हाथ से मैश करो, बिल्कुल सेट हो जाएगा। मसाले अब इसको अच्छे से मैश करने के बाद इसको मसाले की ओर लेके चलते हैं। ये है हमारे सीजनिंग की डब्बा, इसमें डालेंगे सब थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी शुगर, वैसे पिसा हुआ शुगर डालते हैं बट हम इसमें ये डालें, कसूरी मेथी को क्रश करके, थोड़ी कार्डमम पाउडर जाएगा इसमें। कुछ लिया मैंने इसमें वाइट पेपर, ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ी डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो उसको आप। इसमें हम डालें कार्डमम पाउडर जो इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। तो शाम का पार्टी का मेन्यू भी लग चुका है, 160 है, और बहुत बड़ा एपी लगा है इसमें। यहाँ पर साथ पार्टी के मीजे के साथ हम अपना अलाकार्ट प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। अलाकार्ट का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, और यहाँ तो संडे है इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउड है, इसलिए अपना मीजे प्रिपरेशन जो पहले से कर रहे हैं मलाई कोफ्ता का। इसको बिल्कुल महीम अच्छे से मैश करना है। देखो ऑर्डर भी आ गया, दही कौन कबाब का एक। इस शाम में कुछ इंग्रेडिएंट्स को इसमें बॉन्डिंग के लिए कॉर्नफ्लोर और रिफ्लोर को लेकर रखे हैं। थोड़ी सी हम इसमें रिफ्लोर को टच करेंगे और हल्का सा कॉर्नफ्लोर। ये कोफ्ता का मिक्सचर बैटर हमारा जो भी बोलते हैं रेडी कर देंगे, इसका डो थोड़ी इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद हम रेडी करेंगे इसके, और इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे कोफ्ते बनने स्टार्ट हो गए, ये हमारे पड़ोसी से कोफ्ते बनाते हुए अलाकार्ट के लिए। चेक कर रहे हैं कोफ्ता, और ये देख सकते हो आप, फ्लेम स्लो करो तो, और ये हमारा स्लो फ्लेम में पकेगा, ये हमारे प्रदीप से पकाते हैं आराम से। तो दगड़े ये हमारा मलाई कोफ्ता रेडी हो चुका है।